हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो हम ये जानेंगे कि कोई इक्वेशन को हम लोग लीनियर फॉर्म में किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था आपको होमोजीनियस फंक्शन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन। तो हमने ये बताया था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस हमने बताया थे। उसी तरीके से हमने जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसको हमने बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हमने ये बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। हमने उसके लिए एक तरह का वर्किंग रूल और वहाँ पे हमने एक तरह से सॉल्यूशन बताया था आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किसी इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यानी लीनियर फॉर्म के लिए हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए एक तरह का प्रोसेस है जिसके बारे में बर्नौली इक्वेशन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक तरह से, जो एग्ज़ाम में बहुत बार डेफिनेशन के रूप में भी पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो आप इसको देखें, यहाँ पे क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एलोन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। तो इसमें कह रहा है कि जो पी एंड क्यू है वो एक्स का फंक्शन है। तो कह रहा है कि पी और क्यू जो है, यानी यहाँ पे जो पी है और क्यू है वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो हमने बताया था कि एक्स का फंक्शन क्या होता है या वाई का फंक्शन क्या होता है, बार बार हम इसके बारे में शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे y y की पावर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, तो y की पावर अगर 1 है और यहाँ पे y का जो कोफिशियंट है यहाँ पे केवल अगर x का फंक्शन है, एंड द सेकेंड थिंग यहाँ पे y की पावर n है, y की पावर n मीन्स 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि y की पावर कुछ है समथिंग, तो अगर इसके साथ जो कुछ भी है वो भी अगर x का फंक्शन है, और सेकेंड थिंग यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स है ये बिल्कुल फ्री है इस तरीके से, इसके साथ जो कोफिशियंट यूज हो रहा है वो 1 हो रहा है, कांस्टेंट 1। तो इस तरह के फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का जो इक्वेशन है वो एक तरह का बर्नौली इक्वेशन आएगा, और यहाँ पे जो p और q जो है वो x के फंक्शन होंगे, केवल x के फंक्शन। यहाँ पे ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये x के फंक्शन नहीं होंगे तो इनको सॉल्व करने का तरीका फिर बदल जाएगा, फिर वो बर्नौली इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो जैसे हमने बताया था कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये अभी तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने आपको ये बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे y की पावर 1 था और p एंड q बी द फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कह रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहला रहा था, और हमने कहा था कि यहाँ पे p और q जो है वो x के फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे हम ओनली वर्ड का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो पी और क्यू एक्स के फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आ रहा है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बस यहाँ पे वाई की पावर एन आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे वाई की पावर एन आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। और इस तरह के इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, हमें एक तरह से कन्वर्ट करना होगा इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आइए हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि टू सॉल्व
दिस इक्वेशन, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो यहाँ पे एक y की पावर n आप देख रहे हैं, इस y की पावर n से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे कि डिवाइड, टू सॉल्व दिस इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y की पावर n वी गेट। तो हम क्या करेंगे इसमें y की पावर n से डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसमें y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/y की पावर n dy by dx एंड प्लस यहाँ पे p इंटू y/y की पावर n इज इक्वल टू q, और यहाँ पे y की पावर n अपन y की पावर n, तो यहाँ पे y की पावर n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे q बचेगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिखा जा सकता है y की पावर माइनस n इंटू dy by dx, को पता है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इसको इस फॉर्म में n प्लस यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n, तो ये जब पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा y की पावर माइनस n, और वो आपस में ऐड होंगे, यानी p इंटू y की पावर 1 माइनस n आ जाएगा, y की पावर n माइनस 1 माइनस n एंड इज इक्वल टू q। तो y की पावर माइनस n इंटू dy बाई dx प्लस p इंटू y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q, तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आ रहा है दोस्तों, तो हम देखें यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे, तो आप देख रहे थे कि dy बाई dx हो रहा था प्लस py इज इक्वल टू q। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये जो है आपका dy by dx है वो फ्री होना चाहिए इसके साथ, मींस यहाँ पे कोई कोफिशियंट 1 के अलावा ना हो, यहाँ पे कुछ भी है तो आप उसको हटाएं किसी तरह से, और यहाँ पे y की पावर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे q यानी p और q आपका x का फंक्शन हो वहाँ पे होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको इसको फ्री करना है, फ्री करने का मतलब फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे आप, बल्कि आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे y दिख रहा है आप उसको एक तरह से नए वेरिएबल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का हम लोग नया वेरिएबल चूज करते हैं और हम देखते हैं कि वो वेरिएबल क्या है। तो आप हमेशा जब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो p के साथ यहाँ पे y की पावर 1 माइनस n आ रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो x का फंक्शन है, x के फंक्शन के साथ जो y वाला फंक्शन आ रहा है ये पूरा, उसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, यानी v के बराबर सपोज कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि पुटिंग y 1 माइनस n इज इक्वल टू वी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, यानी देखिए अगर हम वी यूज करते हैं सो दैट तो अगर हम इसकी जगह वी यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लें। तो जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, आपको पता है कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना रहे तो ये आपका nx टू द पावर n माइनस 1 देगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो आपको ये क्या मिलेगा, 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n, तो ये पावर है, इसमें से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना देगा, यानी इस पावर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इनटू पहले तो हमने इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो आपका ये आ गया, और फिर हम क्या करेंगे y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे dy by dx, तो यहाँ पे आपका dy by dx आ गया, और इसका v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dv upon dx ये आ जाएगा। यानी अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देगा 1 माइनस n एंड y, यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर माइनस n dy by dx इज इक्वल टू dv अपन dx आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह का रिजल्ट आ रहा है इस तरह का। तो हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे y की पावर माइनस n एंड dy by dx आपका आ रहा है, तो अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आपको 1 माइनस n से उसमें डिवाइड करना होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस n इंटू dy बाई
डी एक्स इज इक्वल टू वन अपान वन माइनस एन इंटू डी वी अपान डी एक्स। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इट मीन्स इस इक्वेशन में यहाँ पे इतना आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और y की पावर 1 माइनस n की जगह आप तो भी सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा। हम कह सकते हैं देयरफोर ये जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देयरफोर वन अपान वन माइनस एन इंटू डी वी अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, प्लस पी यहाँ पे वाई की पावर वन माइनस एन है तो इसकी जगह आप भी रख सकते हैं, तो पी भी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका है क्यू, ये हो जाएगा। तो वन अपान वन माइनस एन इंटू डी वी अपान डी एक्स प्लस पी भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू। तो आप अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक तरह का ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वन अपान वन माइनस एन एक तरह का कांस्टेंट है, क्योंकि एन कांस्टेंट है तो ये पूरा टोटल आपका एक कांस्टेंट आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वन माइनस एन से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आर। तो अगर वन माइनस एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी अपान डी एक्स देगा प्लस वन माइनस एन इंटू पी भी इज इक्वल टू वन माइनस एन इंटू क्यू। तो आप यहाँ पे एक चीज तरह एक रिजल्ट देख रहे हैं ये। तो अब आप ये चेक करेंगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी वी अपान डी एक्स, अब यहाँ पे जो भी है वो एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज द न्यू इंडिपेंडेंट, दिस इज द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका भी, और इस भी का यहाँ पे भी के रिस्पेक्ट, भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया गया है और इसकी पावर यहाँ पे वन है। भी के भी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किए हैं और यहाँ पे भी की पावर वन है। तो आपको यही चीज़ दिखाना था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, और यहाँ पे हमने कहा था कि पी और क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे y की पावर वन, y की पावर वन यहाँ पे y, तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पे क्या है, भी डिपेंडेंट वेरिएबल, तो भी और भी की पावर वन ये दो चीज़ तो है, इसके सिमिलर है। एंड द सेकेंड थी p जो है वो x का फंक्शन पहले से था, तो जब कोई अगर x का फंक्शन है और अगर उसमें किसी कांस्टेंट का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी p x का फंक्शन है 1 माइनस एन से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये पूरा जो है 1 माइनस एन इंटू पी वो भी एक तरह का x का फंक्शन ही आएगा। इसी तरीके से q जो है वो भी एक पहले से ही x का फंक्शन है, तो अगर q पहले से ही अगर x का फंक्शन है तो अगर इस q में 1 माइनस एन से आप क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो पूरा रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट वो भी एक तरह का क्या आएगा, x का फंक्शन ही आएगा। तो ये पूरा आपका x का फंक्शन आ गया, इट मीन्स ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, v की पावर वन डी वी अपान डी एक्स। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं ये एक तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वी एच डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वी एच डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक तरह का आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विथ वी जो है वो एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में चूज किया गया है। तो यही बर्नौली का अगर कोई भी इस तरीके से इक्वेशन अगर आपके सामने आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यही है। तो जब भी आप देखेंगे कि एक तरह का कोई भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे और अगर वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हैं उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है वाई की पावर आप उसे डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान रहे पी के साथ, उसी को आप भी के बराबर सपोज करेंगे। आप भी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। तो आप इसको जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लास्ट में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी में, तो आपको इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने बताया था कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है इस वीडियो को कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि किस तरीके से आपको ये समझ में आया, कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।